चश्मा की बबीता जी ने किया है रिएक्शन। जी हाँ, यानी कि मनमोहन दत्ता ने रिएक्शन दिया है फिल्म आरआरआर को लेकर। आखिर क्यों फिल्म देखने के बाद बबीता जी यानी कि मनमोहन दत्ता का छूटा है पसीना और साथ ही में गूजबम्स आ गए हैं। चलिए पूरी खबर देती हूँ कि क्या रिएक्ट किया है उन्होंने इस फिल्म पर। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवी एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी हाँ, मनमोहन दत्ता हाल फिलहाल खतरा 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 में भी नजर आई थी और कई ज्यादा सुर्खियां बटोरती रहती हैं, सुर्खियों में बनी रहती हैं मनमोहन दत्ता। हाल फिलहाल उन्होंने फिल्म आरआरआर पर रिएक्शन दिया है और क्या कुछ कहा है तो चलिए बताती हूँ। दरअसल मनमोहन दत्ता ने अपने फैंस के साथ में कुछ स्टोरीज शेयर की है और जहां पर वो स्टोरीज में आरआरआर की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। तारीफ करते हुए मनमोहन दत्ता ने लिखा है, माय फ्रेंड दिस मूवी इज एग्जैक्टली व्हाई वी गो टू द थिएटर्स। आई डोंट थिंक एनीवन हैज द विजन व्हाट रंजन मौली सर पॉजेस। This man is a living legend and his movies make me alive. I had goosebumps all throughout just like I had during Bahubali. जी हाँ, मनमोहन दत्ता कहती है कि जैसे बाहुबली में मुझे गूजबम्स आ गए थे, वही वही पूरा जो है मुझे ये फिल्म देखने के बाद गूजबम्स आ गए और ये फिल्म एक मास्टरपीस है। साथ ही में वो विजन जो रंजन मौली के पास में है वो किसी के पास नहीं है। और साथ ही आर्टिस्ट की भी तारीफ करते हुए मनमोहन दत्ता लिखती है, दिस अमेजिंग आर्टिस्ट मेड दिस मूवी कम आउट The way it is with their superlative performance, जी हाँ। और साथ ही में वो सिर्फ इट्स अ जेन्युइन एप्रिसिएशन पोस्ट और यही डालते हुए अपने फैंस को कहती हैं कि ये मूवी जो है एक मास्टरपीस है और उन्हें ये मूवी बहुत अच्छी लगी। साथ ही में जब वो ये मूवी देखी उन्होंने तो उन्हें जो है वो बाहुबली वाला फील आया और कहीं ना कहीं उनके गूजबम्स जो है वो आ गए। बस जानना चाहूंगे आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।